जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का अपना लास्ट टॉपिक पूरा करेंगे। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th की, और ये पूरे इंटीग्रेशन का एक तरीके से रिवीजन है, इंटीग्रेशन का भी, डिफरेंशिएशन का भी, लिमिट और डेरिवेटिव सारा कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूले पहले एक जगह लिख लीजिएगा, उनको अपने सामने रख लीजिएगा, फिर स्टार्ट करिएगा। ये पहला एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का। यहाँ पर देखिए, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स किए हैं, तो अपने आप दिमाग काम करना स्टार्ट करने लगेगा। अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो इसी का डिफरेंशिएशन ये लिखा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तो लेट साइन वन प्लस साइन सिक्स एक्स इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएशन कीजिए, जीरो साइन का कॉस और सिक्स एक्स का सिक्स, तो कॉस सिक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी टी बाई सिक्स। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी डी टी बाई सिक्स। तो वन बाई सिक्स रूट टी, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर वन बाई टू प्लस वन, और टी की पावर वन बाई टू प्लस वन प्लस टी। तो ये कितना निकला, सॉरी वन बाई टू प्लस, तो वन बाई सिक्स इंटू टी की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, तो क्या हो गया, वन बाई नाइन। टी की वैल्यू रख दीजिए, वन प्लस साइन सिक्स एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, इसको ये कीजिए कि x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान x क्यूब और उस पूरे की पावर 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 dx। ऐसा हमने क्यों सोचा, ऐसा इस वजह से सोचा क्योंकि ऐसा डिफरेंशिएशन कीजिए, जैसे x है 1 बाई x, तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपान x स्क्वायर। मतलब पावर क्या होती है डिफरेंशिएशन में, अगर x अपान में है तो पावर बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पर 5 है, इसका मतलब वहाँ पर ऊपर क्या आ रहा होगा, x की पावर 4। ठीक, अगर x की पावर 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ता। तो इस वजह से मैंने ऐसा सोचा। अब क्या कीजिए, x की पावर 4 जब यहां से बाहर निकलेगा तो x बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर है पावर 1 बाई 4, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस 1 अपान x क्यूब की पावर 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 5, x की पावर 5 और ये कट करके x की पावर 4 बचेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये 4 है तो यहाँ पर अपान में 1 बाई एक्स क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन मान लेते हैं, लेट 1 माइनस 1 अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 का 0 माइनस माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या मिला, 1 अपान एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो ये क्या मिला, टी की पावर 1 बाई 4 डी टी बाई
1 बाई थ्री टी की पावर 1 बाई फोर का इंटीग्रेशन, टी की पावर 1 बाई फोर प्लस 1, 1 बाई फोर प्लस 1 प्लस सी, तो ये कितना मिला 4 बाई 15 टी 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की पावर 5 बाई 4 प्लस सी आंसर। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, खाली रिवाइज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में एक कंडीशन मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर की पावर हमेशा न्यूमरेटर की पावर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को और एक बार भाग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर थ्री आएगा और ऊपर क्या लिखा है, एक्स की पावर फोर। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इसको किस एक्स की पावर फोर को भाग दे दीजिए, तो एक्स की पावर फोर है, ये एक्स की पावर थ्री है, तो एक्स से इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या आया, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये एक्स क्यूब है, वहां भी एक्स क्यूब है, तो प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, वन। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन प्लस वन अपान एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस। हमें इसके इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक करेंगे, अलग से लिख लेते हैं, वन अपान एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो क्या लिखेंगे इसको, a अपान एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपकी, यहाँ पर x इक्वल टू वन इस टर्म को छोड़ करके बाकी जगह रख दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। अब बची किसकी वैल्यू, b और c की वैल्यू, मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ये किसके इक्वल है, वन के। ए की वैल्यू वन बाई टू आपको पता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो वन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, सॉरी सी माइनस बी एक्स प्लस ए माइनस सी। कंपेयर कीजिए, तो a प्लस बी जीरो है क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, c माइनस बी वो भी जीरो है क्योंकि वहां पर x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट क्या है वन, और a माइनस सी इज इक्वल टू वन। ए की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है वन बाई टू माइनस सी इज इक्वल टू वन, तो c इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई c। अगर माइनस वन बाई टू है तो c की वैल्यू या a की वैल्यू यहां भी रख दीजिए,
या c की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो b इक्वल टू c हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई, तो a b c और की वैल्यू वहां पर जाकर पुट कर देंगे कहाँ ऊपर, ये जो हमने माना था ये यहाँ पर। तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस वन तो पहले से था प्लस a की वैल्यू रख दीजिए वन बाई टू और b और c दोनों इक्वल है माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू बाहर ले लीजिए, बचेगा क्या x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने कुछ स्पेशल काम नहीं किया है ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, इसको अलग अलग कीजिए, x प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू वन अपान एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन बाई टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस वन बाई टू वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये लिखा है वन अपान एक्स, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस वन बाई टू, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू, ये क्या लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर है ठीक। चलिए इसको क्या करेंगे, इसमें दो टर्म है, लॉग लॉग एक्स इन टू वन, पहले इसको करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट कर दीजिए आइलेट के फॉर्म में ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन इन टू सेकेंड का इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का करेंगे तो वन बाई एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल। तो इसी को फिर इंटीग्रेट कर दीजिए इस पूरे को फर्स्ट मानिए और इस वन को सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या आया लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस 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 वन अपान इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये किसका निकला इंटीग्रेशन, केवल और केवल फर्स्ट टर्म का, इस टर्म का। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन लिख देते हैं क्या है लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं
log log x minus x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, प्लस में सेकेंड टर्म लिखा है वन अपान लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो आपका आंसर होगा वो ये है। ठीक, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एक साथ नहीं सॉल्व करना तो आप अलग अलग करके सॉल्व कीजिए, बस सॉल्व कीजिए, कभी भी ट्राई करने से मत डरिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा मन में रखिएगा। ठीक, तो आप ट्राई करने से कभी भी डरेंगे नहीं। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स, रूट टेन एक्स कॉमन ले लीजिए, रूट टेन एक्स कॉमन लेंगे तो ये वन 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 बन जाएगा, और कॉट एक्स को रूट टेन एक्स डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। अब इसके आगे की समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे, मानते हैं लेट रूट के अंदर है टेन एक्स, तो टेन एक्स को मान लेते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों माने, स्क्वायर इस वजह से माने क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट हमारा हट जाएगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, देखिए स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सॉरी डी टी नहीं होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी डी टी। ठीक, तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, टू टी डी टी डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x। अब x तो रहेगा नहीं, यहाँ पर सारा कुछ t के टर्म में लाना है, तो अगर tan x की वैल्यू t स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2t टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी की पावर 4 dt। कोई दिक्कत नहीं है, अगर tan x t स्क्वायर है तो cot x क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर, वहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए। तो इसी इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की वैल्यू रखिए तो टी इंटू वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, टी एक्स की वैल्यू रख लीजिए तो टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी की पावर फोर डी टी। कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करेंगे, टी टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टू टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर वन प्लस टी की पावर फोर डी टी। टी स्क्वायर से ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या, टू वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। अब क्या करेंगे, टू इसको क्या कीजिए, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, तो वन बाई टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस टू और माइनस टू ऐड कर दीजिए,
क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि जो टर्म नीचे आएगा उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसको आप क्या कर दीजिए, टी प्लस 1 बाई टी, टी माइनस 1 बाई टी लिखिए, का होल स्क्वायर प्लस 2। ऐसा क्यों किए? क्योंकि 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो अगर यहां पर माइनस रहेगा तभी ये माइनस माइनस क्या बनेंगे, प्लस। इस वजह से ऐसा किए। अब क्या कीजिए, लेट इसके बाद यहां गया टी माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए वेरिएबल पी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 1, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 1 बाई टी स्क्वायर, डी टी इज इक्वल टू डी पी, पुट कर दीजिए यहां पर, तो 2 इंटीग्रेशन डी पी अपान 2 को रूट 2 का स्क्वायर और इसको पी का स्क्वायर, ये 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो रूट टू टेन इनवर्स टी की वैल्यू रख लिए, टी माइनस 1 बाई टी बाई रूट टू प्लस सी, और फिर टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन एक्स, तो रूट अंडर टेन एक्स माइनस 1 अपान रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस सी, इसको क्या लिख दीजिएगा, कॉट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू टेन इनवर्स। अच्छा मन में ये तो नहीं आ रहा कि रूट टू और रूट टू कैंसिल कर दें, मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये टेन के अंदर पूरा लिखा है, बाहर नहीं है, ठीक। तो रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं इसके स्क्वायर को t मान लेता हूं तो उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो मान लेते हैं लेट कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 2 कॉस 2x और कॉस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, टी एक्स इज इक्वल टू टी टी, तो 2 कॉस 2x साइन 2x, तो हो जाएगा माइनस टी टी बाई 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए कॉस स्क्वायर 2x बाई 3 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट यहां पर देखिए, जरा एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं साइन का, ऐसे बनता है साइन का ग्राफ, यह है साइन एक्स, कैसे चेक करेंगे, यह है 0, यह है 90, यह है 180, यह है 360 और यह है 270। मान रख कर के देखते रहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1,
ये तो हुआ साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। अगर मैं एक्स का ग्राफ ड्रा करता हूं तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, अगर देखा जाए कायदे से तो x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू वन होगी, मतलब ये यहां से पास करेंगे, ये जहां से वन है ये कुछ ऐसे, पहले वाला मैं रफ कर देता हूं, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। हमारी लिमिट कहाँ से है, माइनस वन से थ्री बाई टू, माइनस वन ये वाला पॉइंट है x में और थ्री बाई टू ये है वन, थ्री बाई टू कहीं ये होगा ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम माइनस से माइनस वन जाएंगे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखिए, अगर केवल ये होता मॉड एक्स तो हम क्या लिखते कि ये माइनस से खुलता कब, जब एक्स लेस देन जीरो है, और पॉजिटिव से खुलता तब जब एक्स जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है। यहां पर दोनों फंक्शन का इनटू है, जब जीरो से छोटा है फंक्शन, जब जीरो से छोटा है फंक्शन तो इसकी वैल्यू माइनस में है और इसकी भी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे, प्लस, क्या बन जाएंगे, प्लस। देखिए साइन कहाँ पर नेगेटिव होता, अच्छा जीरो से ऊपर, जीरो से आगे जाने पर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो जीरो से आगे इसकी वैल्यू नेगेटिव कौन करेगा, ये, और इसकी वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, जब हम पाई से नीचे जाते हैं, पाई का मतलब क्या हुआ, वन हो गया। इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन को माइनस वन से वन जाते समय ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, पॉजिटिव साइन से, क्यों, क्योंकि माइनस वन से वन के बीच में ये है नेगेटिव और ये है नेगेटिव, और दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव नेगेटिव का इनटू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद जब हम वन से आगे जाते हैं इधर से इधर, तो ये क्या बन रहा है, नेगेटिव, कौन, साइन एक्स, नहीं, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है जीरो के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, वन से थ्री बाई टू के बीच में इसका इंटीग्रेस, इसका मॉड किससे खुलेगा, माइनस से, तो माइनस एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। इसकी डिफिनीशन फिर से ध्यान दीजिए, जब हम माइनस से जीरो चलते हैं, मतलब जीरो से छोटा है फंक्शन, जीरो से छोटा है तो ये साइन भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दो के दोनों निगेटिव हैं, तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और मॉड का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव से खुलता है, इस वजह से माइनस वन से जीरो तक इसी लिमिट को ब्रेक कर दीजिए, माइनस वन से जीरो तक ये किससे खुलेगा, प्लस से, तो प्लस से ही खुला। जीरो से आगे देखते हैं वन तक, जीरो से वन तक में दो के दोनों पॉजिटिव हैं, दो के दोनों पॉजिटिव हैं तो उसका मॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो इस वजह से माइनस वन से जीरो ये पॉजिटिव और जीरो से वन ये पॉजिटिव, इस वजह से हमने दोनों लिमिट एक साथ लिख दी, माइनस वन से वन दो की दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन जब हम वन से आगे बढ़ेंगे, और जब वन से आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो रही है, साइन की वैल्यू निगेटिव, ये देखिए, और जब भी इसके अंदर निगेटिव होगा तो मॉड किससे खुलेगा, माइनस से, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन देगा, बना देगा प्लस, इसी वजह से माइनस से खुला। अब इसको क्या कर दीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट बनेगा ये सेकंड, इसी तरह ये फर्स्ट बनेगा ये सेकंड, इंटीग्रेट कीजिए तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और एक्स के जो इनटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक, अभी हम केवल इसी टर्म का कर रहे हैं, इसके आगे का आगे करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई, माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। जो एक्स का कोफिशियंट है वो अपान में आ जाएगा। अब इसकी लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस वन से वन पुट कीजिए। तो माइनस वन कॉस पाई 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 प्लस साइन पाई 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 स्क्वायर, ये तो हुई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट यहां पर जाकर के पुट कीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस पाई 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 स्क्वायर, सॉरी पाई कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है इस वजह से यहां पर पाई ही लिखा, प्लस साइन माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। साइन 180 की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया टू बाई पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, कॉस 180 डिग्री की। तो इस वाले लेफ्ट वाले टर्म की वैल्यू क्या निकल गई टू बाई पाई। यहां पर चलते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कीजिए। माइनस बाहर ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई डी एक्स। एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। इसकी लिमिट पुट कीजिए, कहां से कहां तक है वन से लेकर के थ्री बाई टू तक पुट कर दीजिए। तो थ्री बाई टू कॉस थ्री पाई बाई टू बाई पाई माइनस साइन थ्री पाई बाई टू बाई पाई स्क्वायर, ये तो हुई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, कॉस पाई डिवाइडेड बाई पाई माइनस साइन पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, ये हुई लोअर लिमिट। कॉस पाई साइन पाई होता है जीरो और कॉस पाई होता है माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाई टू होता है जीरो और साइन थ्री पाई बाई होता है माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन बाई पाई स्क्वायर प्लस वन बाई पाई। ठीक, अब क्या हुआ, ये दोनों का क्या है सम है, प्लस है बीच में लगा, तो फिर क्या कर देंगे इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो नेट इंटीग्रेशन क्या मिला टू बाई पाई प्लस वन बाई पाई स्क्वायर प्लस वन बाई पाई, तो ये क्या हो गया वन बाई पाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई पाई। प्लस माइनस की गलती देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है और आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, जीरो टू पाई एक्स
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या करेंगे, इसको मान लीजिए पहले आई आई इक्वल टू दिस, फिर क्या कीजिए प्रॉपर्टी लगाइए जीरो टू पाई, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, वो सॉरी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए 1 + 2, तो क्या मिला 2i इज इक्वल टू जीरो टू पाई, इधर है माइनस एक्स उधर है प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसके इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो ये हो जाएगा क्या पाई सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, यहां से अगर मैं टेन एक्स को टी मानू बी टेन एक्स, तो वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, तो जरा मैं देखता हूं, लेट बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो बी टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं डी टी बाई। लेकिन इसको रखने में एक समस्या है, वो समस्या क्या है वो देखिए, अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, जीरो पुट करूँगा तो टेन जीरो का मान है जीरो, और 180 पुट करूँगा तो टेन 180 का मान भी क्या है जीरो, तो लिमिट हमारी लोअर लिमिट भी जीरो बन रही है, अपर लिमिट भी जीरो बन रही है। जब भी ऐसा आए तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि लिमिट अलग अलग निकले, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं, तो सबसे पहले लिमिट को चेंज कीजिए, तो 2i लिमिट को चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, ये यहां पर पॉइंट समझने वाला था कि 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों किए, क्योंकि ये समझ में आ गया, क्योंकि लिमिट हमारी क्या हो रही थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम बन रही थी, ठीक है, और जबकि सेम नहीं होनी चाहिए इंटीग्रेशन में, अगर सेम ही हो गई इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम एक ही पॉइंट पर क्या है फिक्स हैं। ठीक, अब क्या कीजिए, अब जरा लिमिट पुट करके देखिए, यहां पर अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो टी की वैल्यू जीरो निकलेगी, और अगर मैं पाई बाई टू पुट करूंगा तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी इनफाइनाइट। अब हम ये वाली वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू क्या मिला 0 टू इनफाइनाइट पाई बाई बी डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर
और ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट पुट कर दीजिए जीरो टू इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा? पाई ए बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई टू और इसकी वैल्यू जीरो, पाई बाई टू से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बी आंसर। ठीक, समझ में आ गई बात? सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये पॉइंट ध्यान देने वाला था वो हमने बता दिया आपको। अब यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। देखते ही नजर आ रहा होगा कि इसको मैं फ्रैक्शन कर लेता हूं, ऐसे लिख देता हूं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लीजिए, ए बाई एक्स प्लस बी अपान एक्स वन माइनस एक्स प्लस सी अपान वन प्लस एक्स। ए बी और सी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकालना हो तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे केवल इस जगह को छोड़कर जो इनफाइनाइट बना रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू वन। बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल टू वन पुट कर देंगे केवल इस जगह को छोड़ करके वन माइनस एक्स की जगह, तो एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो बी की इक्वल टू मिलेगा वन बाई टू, और सी इज इक्वल टू सी निकालने के लिए एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो यहां पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? सी इज इक्वल टू वन बाई। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए तो वन बाई एक्स वन बाई टू वन अपान वन माइनस एक्स प्लस वन बाई टू वन अपान वन प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन बाई टू कॉमन ले लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? लॉग वन प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? लॉग वन माइनस एक्स, और जो एक्स का कोफिशियंट है वो माइनस में है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा या अपान में माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, लॉग एक्स प्लस वन बाई टू वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग एक्स प्लस वन बाई टू की पावर इधर आ जाएगी, लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों इनटू में हो जाएंगे, लॉग एक्स इनटू वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स प्लस सी। सी कांस्टेंट है, वो सी हर जगह आता जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये क्या लिखा है? ए प्लस बी, ये लिखा है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा? वन अपान बी माइनस ए। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लीजिए,
तो वन अपान बी माइनस ए। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस ए की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू। तो ये क्या मिला, टू बाई थ्री बी माइनस ए। एक्स प्लस ए की पावर थ्री बाई टू और एक्स प्लस बी पावर थ्री बाई प्लस सी आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, इसमें क्या पुट कर देंगे, इसमें आपकी बुक में दिया गया है हिंट के रूप में, लेट एक्स इक्वल टू ए बाई टी। तो डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी, पुट कर दीजिए। तो माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी, एक्स की वैल्यू ए बाई टी अंडर रूट ए ए बाई टी माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या निकला, माइनस ए डी टी डिवाइडेड बाई ए से ए तो कैंसिल कर दीजिए, तो यह हो गया टी अंडर रूट ए स्क्वायर टी बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल। डी टी डिवाइडेड बाई ए बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, रूट लेंगे तो ए आ जाएगा, यह हो जाएगा टी माइनस वन। तो क्या हो गया, वन माइनस वन बाई ए, वन अपान रूट एक्स लिखा है, तो वन अपान रूट एक्स का क्या हो जाता है, तो टी माइनस वन की पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई ए रूट अंडर टी माइनस वन प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या मिला, माइनस टू बाई ए अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे, वही तरीका, वन अपान एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 4 है, एक काम कीजिए x की पावर 4 यहाँ से बाहर लीजिए, x की पावर 4 बाहर लेंगे तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये x की पावर क्यूब बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान x स्क्वायर और ये हो जाएगा x क्यूब। x क्यूब कैसे आया पता है ना, x की पावर 4 की पावर 3 बाई 4 है, तो ये और ये कट जाएंगे, एक्स क्यूब बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये क्या बन गया, वन अपान एक्स की पावर फाइव वन प्लस एक्स की पावर फोर की पावर थ्री बाई फोर डी एक्स। क्या मान लीजिए इस पूरे को टी, तो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा माइनस फोर इंटू वन अपान एक्स की पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू dt, तो हो जाएगा क्या, माइनस वन बाई फोर डी टी डिवाइडेड बाई टी की पावर थ्री बाई फोर। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो माइनस वन बाई फोर ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन और माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन, तो माइनस वन बाई फोर टी की पावर वन बाई फोर और वन बाई फोर
फोर से फोर कैंसिल, प्लस सी से हो जाएगा क्या, माइनस वन प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की पावर वन बाई फोर प्लस सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि x की पावर 1 बाई थ्री आप बाहर लीजिए, कॉमन लीजिए इससे। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे भाग दे देते हैं, सीधी सी बात ये है। तो x की पावर 1 बाई टू को x की पावर 1 बाई थ्री से भाग दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1 बाई टू माइनस 1 बाई थ्री, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 बाई सिक्स प्लस 1। ठीक है, लेट x की पावर 1 बाई सिक्स है तो x को मान लेता हूँ t की पावर 6, ताकि हमारा फ्रैक्शन में ना आए। तो dx एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 t की पावर 5 dt, पुट कर दीजिए वहाँ पर। तो 6 t की पावर 5 dt, जब x की t की पावर 6 है, t की पावर 6 यहाँ पर रखेंगे तो t की पावर 6 बाई 3 मतलब टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 1 प्लस टी, तो ये क्या बचा, 6 टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टी टी। ठीक, क्या कीजिए, यहां पर टी क्यूब है तो सबसे पहले भाग दे दीजिए। ठीक, तो ये क्या मिला, भाग दीजिए जरा, तो t प्लस 1 है और t क्यूब है, तो t स्क्वायर से एक बार भाग दे दीजिए, तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये हुआ गया माइनस t स्क्वायर, यहाँ पर है t, तो फिर माइनस t से फिर कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस t स्क्वायर माइनस t। फिर क्या है, t आया, वहाँ पर है t प्लस 1, प्लस वन कर दीजिए, तो टी प्लस वन माइनस माइनस, तो बचा क्या, माइनस वन। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन माइनस वन अपान टी प्लस वन डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई थ्री, टी स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस t स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन t, और इसका इंटीग्रेशन log t प्लस वन प्लस सी। t की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू है t की पावर 6, तो t इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 1 बाई 6, यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए हर जगह, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा, a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको नहीं बता रहे हैं। यहां पर क्या करेंगे, x माइनस ए को क्या मान लीजिए, t, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a प्लस टी डिवाइडेड बाई साइन t डी टी, ओपन कर दीजिए साइन a प्लस बी के फार्मूले से, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसको भाग कर दीजिए साइन टी से, अलग अलग कर लीजिए इसको, अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ए कॉट टी डी टी प्लस कॉस ए इंटीग्रेशन डी टी, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट टी का, कॉट एक्स का शायद होता है log sin x माइनस log sin x,
ठीक, वन अपान साइन एक्स, नहीं लॉग साइन एक्स ही होता, तो लॉग साइन टी प्लस कॉस ए और डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। वैल्यू रखिए तो साइन ए लॉग साइन टी की वैल्यू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस सी आंसर। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव को इधर ले जाइए, ऐसे लिख सकते हैं, फोर को उधर ले जाइएगा पावर में, इसी तरह बाकी को भी। चीजें आसान है, ई और लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर लिखा है एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर और नीचे लिखा है एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स की पावर टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी आंसर। ठीक, इसको क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो क्या हो गया डी टी टू का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और वन अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू साइन एक्स बाई टू प्लस सी। ये साइन कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये तब कैंसिल होता है जब ये टू इसके अंदर होता, पूरा साइन बाहर होता, तब यहां पर डिवाइड बाई टू है तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो इसको लिख सकते हैं साइन की पावर फोर एक्स माइनस कॉस की पावर फोर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये देखिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइडेड बाई वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया वन, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है वन, तो वन माइनस दिस और वन माइनस दिस, तो ये और ये पूरा कैंसिल, और जैसे ये कैंसिल हुआ बचा क्या माइनस, कॉमन ले लीजिए, क्यों कॉमन लिए, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, ये कॉस टू एक्स का फार्मूला है, और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी आंसर, ठीक। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज करते समय शायद 7.3 या 7.4 में था, मैंने ऐसा ये क्वेश्चन छुड़वाया था आपको, ठीक। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में कभी भी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि कास और साइन के फंक्शन है। अब कास और साइन के फंक्शन है, अगर केवल सिंपल फंक्शन होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी तो हम इसमें वो लगा देते पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन कास और साइन है तो हमें कुछ इसमें इस तरीके से चेंज करना है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आए, तो कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन, तो हम क्या करते हैं साइन ए माइनस बी से क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऐसा क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा जैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब इस साइन ए माइनस बी को आप ये लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, अब प्लस को इसके साथ ले जाइए माइनस को इसके साथ ले जाइए, तो ये क्या फॉर्म बना वन अपान साइन ए माइनस बी साइन, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, अगर ऐसा किए तो क्या कर देंगे, ये साइन ए है ये बी है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लीजिएगा, एक डिनोमिनेटर इस प्लस के साथ प्लस के पहले वाले टर्म के साथ चला जाएगा, फिर दोबारा इसके साथ चला आएगा, जब अलग अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएंगे, जब इसके साथ जाएगा तो x प्लस बी कैंसिल, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, और जब इसके साथ जाएगा तो x प्लस ए कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा टेन, टेन का इंटीग्रेशन लॉग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लॉग
लॉग सेक एक्स प्लस बी। अब क्या कीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वन अपान साइन ए माइनस बी लॉग सेक एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस बी, या इसी को लिखा जा सकता है लॉग कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस सी। यहां पर क्या कर दीजिए, साइन और कॉस टैन का भी लेकर के बनाए, आप चाहें तो इनको अलग अलग कर दीजिए। यहां पर साइन लिख दीजिए डिवाइडेड बाई कॉस, फिर कॉस को क्या मान लीजिए टी, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिखा होगा साइन, ठीक। तो वैसे भी करेंगे तो आंसर वही आएगा जो आया है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम है, ठीक। यहां पर क्या करेंगे, एक्स क्यूब वन माइनस एक्स की पावर फोर का स्क्वायर, एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4, पुट कर दीजिए 1 बाई 4 dt अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। और अगर ऐसा होता है कि अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपान में होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी आंसर, ठीक। चलिए इसको क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो लेट ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t 2 प्लस t, पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए a अपान 1 प्लस t प्लस b अपान 2 प्लस t dt। a और b की वैल्यू निकाल लीजिएगा और उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो यह आ जाएगा a log 1 प्लस टी प्लस बी लॉग 2 प्लस टी प्लस सी, बाद में टी की वैल्यू रख दीजिएगा। ए और बी निकालना आपको शॉर्टकट से बताए हैं, उसी से निकाल लीजिएगा, ठीक। इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये लेंदी है और इसमें है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बस कैलकुलेशन है, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर दें, चलिए सॉल्व कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या मिला, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए एक्स प्लस 4 बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0, बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, 4a plus c is equal to 0 और 4b plus d is equal to 1,
फोर बी प्लस डी इज इक्वल टू वन, यहां से निकालिए डी इज इक्वल टू माइनस बी, तो हो जाएगा थ्री बी इज इक्वल टू वन, तो b इज इक्वल टू वन बाई थ्री, बी इज इक्वल टू वन बाई थ्री है तो d इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा। b और d की वैल्यू पता चल गई। यहां से देखिए a इज इक्वल टू माइनस सी, a इक्वल टू माइनस सी है, इसका मतलब ये हुआ कि a और c दोनों जीरो हैं, a भी जीरो हो गया c भी जीरो हो गया, ठीक। तो a और c दोनों जीरो हो गए और ये हो गया b वन बाई थ्री और d माइनस वन बाई थ्री। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हो जाएगा वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। ये आपका क्या है आंसर है, बहुत ही सिंपल था, ठीक। नेक्स्ट ई और लॉग आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सामने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी क्यूब डी टी, तो माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर फोर बाई फोर प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए तो माइनस वन बाई फोर कॉस की पावर फोर एक्स प्लस सी आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, थ्री इधर ले जाइएगा ये हो गया ई और लॉग कैंसिल, इसको जरा इधर ले आइए अपान में, ये हो सकता है। अब क्या मान लीजिए वन प्लस एक्स की पावर फोर को टी, तो फोर एक्स क्यूब टी एक्स इज इक्वल टू टी टी, तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर वन अपान टी टी टी, वन अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी आंसर, ठीक। ये देखिए अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसी का डिफरेंशिएशन इधर लिखा है, तो लेट f ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन f डैश ए एक्स प्लस बी इंटू इसके अंदर का कीजिए a डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये क्या हो जाएगा वन अपान a इंटीग्रेशन t की पावर n डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए f ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन प्लस सी आंसर, ठीक। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, इसको ये कीजिए पहले ओपन करते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अब क्या कीजिए साइन एक्स से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट के अंदर ही, और साइन एक्स से गुणा कर दीजिए अंडर रूट के अंदर ही, तो साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स क्या बन गया साइन की पावर फोर एक्स,
साइन की पावर 4x इस रूट के बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स का 1 अपान है तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट। साइन एक्स से इसको भी डिवाइड कर दीजिए और इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो साइन एक्स से साइन एक्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, और ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है क्या कि अगर मैं इस पूरे को टी मानता हूँ, देखिए अल्फा तो कांस्टेंट है, इसको अगर मैं टी मानता हूँ तो इसी का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर लिखा है, तो लेट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। तो जीरो साइन अल्फा कॉट एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपान साइन अल्फा डी टी बाई रूट टी। वन बाई रूट टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, तो माइनस टू बाई साइन अल्फा रूट टी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, ये आपका क्या है आंसर है। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो कॉट एक्स को क्या कर दीजिए, वन बाई वो कॉस बाई साइन लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई साइन अल्फा अंडर रूट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी आंसर। ठीक, चलिए इसको क्या करेंगे, 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, लेकिन गुणा करने से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि x कैंसिल नहीं होगा, दूसरा तरीका लगाते हैं। ये देख करके तो लग रहा है कि ये कॉस का फार्मूला है, क्योंकि 1 1 है और कॉस के फार्मूले में 1 आकर के कैंसिल हो जाता है, तो इसको क्या कर दीजिए, लेट x इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, टू कॉस टू टी, और कॉस का इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टू टी डी टी। तो यहां पर पुट कर दीजिए, अंडर रूट वन माइनस कॉस टू टी वन प्लस कॉस टू टी इन टू माइनस टू कॉस टू टी साइन टू टी डी टी। कॉस का ऐसा फार्मूला लगाइए कि वन कैंसिल हो जाए, तो यहां पर तो लगेगा वन माइनस कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर लगेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टू साइन स्क्वायर टी इन टू माइनस टू कॉस टू टी साइन टू टी डी टी। टू से टू कैंसिल, तो ये क्या बच गया, कॉस टी बाई साइन टी माइनस टू कॉस टू टी इन टू साइन टू टी क्या हो जाएगा, टू साइन टी कॉस टी, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल,
तो क्या हुआ, माइनस फोर कॉस स्क्वायर टी कॉस टू टी डी टी माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस टू टी डिवाइडेड बाई टू, ठीक। तो ये कितना हो गया माइनस टू कॉस टू टी प्लस कॉस स्क्वायर टू टी माइनस टू कॉस टू टी कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस फोर टी डिवाइडेड बाई टू डी टी। माइनस टू कॉस टू का इंटीग्रेशन साइन टू टी डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल माइनस, वन का इंटीग्रेशन टी और कॉस का साइन, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है कॉस टू टी, यहां से टी की वैल्यू निकालिए तो कॉस टू टी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, सॉरी कॉस टू टी इज इक्वल टू रूट एक्स, तो टू टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो टी इज इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, ये टी की वैल्यू नीचे जा करके पुट कर दीजिएगा। ठीक, टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे वन बाई टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, यहां पर पुट कर देंगे फिर वही आपका आंसर आ जाए। ठीक, यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लीजिए, जब भी e की पावर x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ फंक्शन हो तो हमेशा याद रखिएगा कि ये फार्मूला बनने की कोशिश बनाने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है, अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये होता है, ये आपको बता रखे हैं, तो देख लेते हैं इसको अलग अलग करके। टू कॉस का ऐसा फार्मूला लगाइए कि वन कैंसिल हो जाए, तो क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक, ये हो जाएगा साइन एक्स टू कॉस स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद e की पावर x sec स्क्वायर x साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan और वन बाई कॉस sec,
ठीक है, ऐसा फार्मूला बन रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं फिर। अगर वो फार्मूला नहीं बन रहा है तो फिर एक ही तरीका है कि अलग अलग किया जा सकता है इसको। तो e की पावर x एक स्क्वायर x डी एक्स प्लस वन बाई टू e की पावर x टेन x sec x डी एक्स फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ई की पावर एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस वन बाई टू ई की पावर एक्स सेकेंड का इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा sec x का इंटीग्रेशन वो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक, माइनस e की पावर x sec x dx तो क्या हो गया e की पावर x tan x प्लस e की पावर x sec x बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan x प्लस sec x बाई टू dx। इतना लेंदी लगभग जाना नहीं चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है।
बाई टू एक मिनट जरा एक्सरसाइज चेक करते हैं ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बुक इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर इसको देखेंगे क्योंकि इतना लेंदी जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे तो a अपान x प्लस वन b अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस सी अपान एक्स प्लस टू। ए और सी की वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हैं ठीक शॉर्टकट से, बची बी की वैल्यू, बी की वैल्यू फिर ए और सी की वैल्यू निकालने के बाद निकालेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए लॉग एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस बी वन अपान एक्स प्लस वन प्लस सी लॉग एक्स प्लस टू प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर से बताएंगे, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।